मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, अब प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल हम लोग बात कर लिए थे, जितने भी फार्मूला को देखे थे एक बार आज उसको हम पहले यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और आज इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, थोड़ा सा आप लोग कमजोरी दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके वजह से कभी कभी हम टूट जाते हैं, ऐसा आप लोग को नहीं करना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। यदि आपको कुछ कमी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बात लिखिए ना, क्या दिक्कत है उसमें कि हाँ लिखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही आप एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए, टीचमिंट ऐप, ठीक है। लोड करने के बाद वहां पर जाकर आप क्लासरूम बनाइए, क्लासरूम बनाने के बाद क्लासरूम आईडी आप हमसे ले लीजिए और छोटी सी राशि जो है आप वहां पर पेमेंट कर दीजिए और पूरे के पूरे क्लास को आसानी से कीजिए, क्लास 12th का हो या क्लास 10 का हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एप्लीकेशन का भी, क्लासरूम आईडी का भी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जो कल देखे थे उस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर था क्या पाई बाई टू, इसमें कोई डाउट है क्या? साइन इनवर्स में होगा, कॉस इनवर्स में होगा, और यदि दोनों का मान समान होगा तो 90 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या था पाई बाई टू। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या था पाई बाई टू। तो ये पहला आपका फॉर्मूला था, ठीक है। और दूसरा में आपको ये बताए थे, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर क्या था टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में वन माइनस एक्स वाई। देखिए यदि अभी से आप लगातार बने हुए रहते हैं क्लास में, क्लास को डेली आप देखते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, तो फिर आपको लास्ट में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और गणित तो आप पक्का सीखेंगे, ठीक है। इसलिए रेगुलरिटी बना के रखिए, डेली आपको वीडियो मिलेगा सुबह में, आप उसको देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का क्लास मतलब बहुत सारे बच्चे ने क्लास ज्वाइन कर लिया है, यदि आप लोगों में से भी कोई मोटी मोटी रकम देकर यदि आप कोचिंग ट्यूशन में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारा पैसा लग जाता है आपको, तो यदि आप चाहते हैं कि कम फी में, कम फी कहने का मतलब क्या कि फीस आप ही नहीं लग रहा है, अरे अभी तो कुछ दिन पहले जो हमारा ऑफर खत्म हुआ है मात्र 61 रुपया का ऑफर था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया, उससे पहले 51 रुपया वाला था, तो उसमें बहुत सारा बच्चा ऑफर मतलब क्लास को ज्वाइन कर लिया। तो अब आपका जो है हो सकता है कि कल तक आप लोग के लिए एक और अपडेट लेकर हम आ जाएं, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उसमें जुड़ सकते हैं आसानी से ना। चलिए तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। और अगला आपका था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसका हो गया था आपका tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई। इसको याद रखने का तरीका आसान है, यहां प्लस है तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, यहां माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। चलिए अगला आपका था 2 tan इनवर्स x, देख लीजिएगा, और 2 tan इनवर्स x का आपको हम तीन फार्मूला कल बता दिए थे और उसको सिद्ध भी कर दिए थे। तो 2 tan इनवर्स x का साइन में होता है, tan में होता है और फिर cos में होता है। तो सबसे पहले हम आपको tan वाला बताने जा रहे हैं, tan का होता है आपका tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि इसी को साइन में देखिएगा तो होगा साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि कॉस में देखिएगा तो होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देख लीजिएगा 2 tan इनवर्स x का ये तीन फार्मूला आप लोग को कल सिद्ध भी कर दिए थे। तो अभी हम एक बार इस फार्मूले को आपके सामने लिख दिए हैं,
आज हम करने वाले हैं इस पर क्वेश्चन और आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को बनाना किस तरीके से। आप लोग क्वेश्चन ये फार्मूला देखने के बाद क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास किए होंगे और बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन को बनाया भी होगा। तो जिन्होंने भी प्रयास किया और क्वेश्चन बना उन सबों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों ने इस तरीके से मेहनत किया है, ठीक है। और मेहनत करना चाहिए, यदि आप अपने से ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। हम तो आपके एक मार्गदर्शक हुए, आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि बाबू ऐसे करना है, चलना तो आप ही को ना पड़ेगा कि, इसलिए चलना सीखिए, ठीक है। जब तक आप चलिएगा नहीं, चलिएगा तो गिरिएगा, गिरिएगा तो फिर संभलिएगा, फिर चलिएगा, ठीक ना। आज जो चलेगा नहीं वो गिरेगा कहाँ से, और जो गिरेगा नहीं वो सीखेगा कहाँ से। समझ में आ रहा है बात? हाँ, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे देखिएगा एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल वाला, टैन इनवर्स 2/11 प्लस टैन इनवर्स 7/24, टैन इनवर्स 7/24 और इतना के बराबर में आपको लाना है टैन इनवर्स 1/2, ठीक है। इतना के बराबर में आपको क्या लाना है, तो टैन इनवर्स 1/2। आज हम आपको बताने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट भी और इसका ट्रिक भी, ठीक है। इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस तरीके के सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट जो आपके सामने फार्मूला है, यदि ये सवाल दो अंक में पूछता है तो आपको फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है, जैसे फार्मूला में है वैसे। और यदि मान लीजिए कि ये सवाल आपको एक अंक में पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आप इसको एक लाइन में बना सकते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका हम आपको बताने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका LHS ले लेना है। यदि सवाल दो अंक में होगा तो आपको यह करना है, टैन इनवर्स 2/11 और प्लस टैन इनवर्स 7/24। देखिएगा तो आपका जो फॉर्मूला यहां है, देखिए फॉर्मूला यहां है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर में है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - xy। तो यदि आप इसको फार्मूला के आधार पर देखते हैं, ठीक है, यदि आप इसको फार्मूला के आधार पर देखते हैं तो ये आपको x दिख रहा है और ये y दिख रहा है, नहीं नहीं हो गया टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y ना। तो अब आपको क्या करना है कि फार्मूला के अनुसार इसको लिखना है। तो जब टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, टैन इनवर्स x प्लस y यानी 2/11 प्लस 7/24, x प्लस y हो गया, अब बट्टा में 1 - xy, xy यानी कितना 2/11 और इंटू में हो जाएगा 7/24, देख लीजिएगा ना, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 - xy। अब बारी बारी से इसका क्रिया कर दीजिए, जोर घटाओ तो आपको आसानी से करने आता होगा। देखिएगा तो यदि आप 24/11 का लॉसर लेते हैं, देखिए यदि 24/11 का लॉसर लेते हैं और यदि ज्यादा लॉसर लेने में प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों को गुना कर लीजिए ना, सबसे आसान है। 11-24 को गुना करके यहां लिख दीजिए सीधे 11 × 24 हो गया लॉसर। अब देखिए जब भाग की क्रिया करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 24 को 2 से गुना करेंगे तो 24 × 2 = 48 प्लस, ध्यान दीजिएगा इधर, यहां देखिए 24 से 24 कट गया, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 × 7 = 77 बटा में आ जाइए। देखिए 1 - ये कट गया आपका, क्या बार कटेगा तो 12 बार कटेगा, चलिए तो ऊपर में हो गया आपका 7/11। 11 को 12 से गुना करेंगे, देखिएगा 11 × 2 = 22 के 2 हासिल 2 और 11 × 11 = 13 यानी हो गया 132, ठीक है 132। अब देखिएगा टैन इनवर्स, ये ऊपर वाला को जोड़ेंगे 8, 7, 15 के 5 हासिल 1 और हो जाएगा आपका 7, 4, 11, 1, 12 यानी 125 और बटा में क्या है, देखिएगा ये बटा में क्या है तो 11 × 24, ठीक है। और इसके बाद जब आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो क्या होगा 132 - 7, भिन्न का घटाव करेंगे तो यही ना होगा 132 - 7 बट्टा में 132, ठीक है बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 132 ये वाला। अब देखिएगा इधर आ जाइए थोड़ा सा, यहां आपका हो गया 1, 2, 3, 4 बटा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका टैन इनवर्स
125 और बट्टा में देखिए जब 11 को 24 से गुना करेंगे तो 11 चौके 44 के 4 हासिल हो जाएगा आपका कितना 4 और 11 दुना 22 अब 22 4 हो जाएगा आपका 26 यानी 264 गुने। ये देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 132 और बट्टा में क्या आ जाएगा तो बट्टा में 132 में से 7 घटा लीजिए तो जब आप 132 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 125 नहीं हो जाएगा 132 में से यदि आप 7 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 125 के बराबर। ठीक है 125 के बराबर तो ये हो गया आपका 125। अब देखिएगा 125 से 125 कट गया तो हो गया आपका tan इनवर्स 132 बटा में 264। अब 132 से 264 दो बार में कट गया तो क्या हो गया tan इनवर्स 1/2 जो आपको लाना है। ठीक है यही लाना था ना RHS देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका आसानी से मान बना सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन दो अंक में पूछेगा आपको यह क्रिया कर लेना है आसानी से बराबर के दूसरे साइड जो होगा वो आपको हमेशा लाने के लिए कहेगा तो आप आसानी से ऐसे ला सकते हैं। इसी में जो सवाल आपका है एक और तरीके से पूछता है कभी कभी इसमें 4 गो दे देता है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं अभी कभी कभी इसमें 4 गो हो जाता है या कभी 2 आगे 2 लगा देता है यहां 2 लगा देता है 2 tan इनवर्स x बराबर फिर tan इनवर्स x तो ये तीनों टाइप के सवाल को देखने वाले हैं। आपके बुक में जितने भी प्रकार के सवाल पूछे गए हैं टोटल टाइप हम आपको बता देंगे क्वेश्चन तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है कर लीजिएगा ना आसानी से क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा केवल टाइप यहां समझ लीजिए पूरी गणित आप आसानी से बना सकते हैं और जब तक आप अपने नहीं बनाइएगा मेरे भाई तब तक आपको गणित ठीक तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है ना गणित को कंट्रोल करना पड़ेगा तो फिर आपको अपने से बनाने की जरूरत है। यहां से कॉन्सेप्ट सीखिए क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है हम आपको डरा नहीं रहे हैं हम आपको आगाह कर रहे हैं कि मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है बात। हाँ चलिए देखिए तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग तब तक हम इसको मिटा देते हैं। जो भी लोग फार्मूला नहीं लिखे हैं कल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं फार्मूला की जानकारी नहीं है पहले एक बार फार्मूला लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियो को देख लेना है जाकर कि यह फार्मूला आखिर बना कैसे है कैसे इसको सिद्ध किया गया है। ठीक ना तो एक बार जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा सभी लोग फार्मूला को अभी नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। देखते हैं कि सवाल जो आपका है यदि 4 गो इस तरीके से आ जाए ना दिख रहा आपको 4 गो है 1 2 3 4 गो आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इसको दो पार्ट में बांट लेना है यहां से 2 गो एक जगह फिर 2 गो एक जगह माने 2 गो का क्रिया एक जगह कीजिए 2 गो का क्रिया एक जगह कीजिए। ठीक है आसानी से सवाल बन जाएगा जब भी आपको इस तरीके से 4 गो वाला आ जाए 2 गो वाला तो बताइए दी है ना जब 4 गो वाला आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है। देखिएगा चलिए 2 गो को एक साथ क्रिया करना है और फिर ये दोनों को एक साथ क्रिया करना है। देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/2 प्लस 1/3 बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है इसके बाद प्लस सेम प्रोसेस tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 3/5 प्लस 1/4 बटा में 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/5 इंटू 1/4। देखिएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये दोनों का यदि लॉसर लेंगे तो 6 ना इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 आप प्लस इधर हो जाएगा आपका 2 भिन्न का जोर है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं 1 माइनस 1/6 प्लस tan इनवर्स इधर देखिएगा 5 और 4 का लॉस लेंगे तो कितना होगा 5 चौके 20 ना और ये हो जाएगा 5 20 में यदि 5 से भाग देंगे तो भागफल 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 फिर यहां 20 में 4 से भाग देंगे भागफल 5 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 बट्टा में देख लीजिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बट्टा में 20। देखिए कितना आसानी से सवाल बन रहा है tan इनवर्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है 3 × 5 बट्टा में 6 यहां देखिए 6 × 6 और 6 में से 1 घट गया 6 × 6 और 6 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा जब 6 में से 1 घटेगा तो 5 यानी हो जाएगा 5/6।
प्लस टैन इनवर्स, टैन इनवर्स कितना हो जाएगा 12 × 5 = 17 अब बट्टा में 20 और यहाँ भी 20 से कहें 20 में से 3 घट गया तो 17 × 20। ध्यान दीजिए ये तो सिंपल हो गया ना, 5/6 से 5/6 कट गया, 17/20 से 17/20 कट गया, ये कटने वाला ही संख्या आ गया, तब तो भारी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ, आसान हो गया सवाल ये। तो ये हो गया आपका टैन इनवर्स 1 और प्लस टैन इनवर्स 1 ना, यही ना हो गया। अरे पूरा 5/6 से 5/6 कट गया और यहां भी 17/20, यहां भी 17/20 तो कट गया, तो यहां हो गया टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1। अब बताइए कि टेन में एक कितना का मान, ये तो आपको मालूम है, तो पाई बाई 4 का मान, अब प्लस टेन में एक कितना का मान, तो पाई बाई 4 का मान जोड़ देंगे, यानी 45 कितना हो जाएगा 90, यानी पाई बाई 2 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई 2 के बराबर। देख लीजिएगा ये थोड़ा सा आसान हो गया सवाल यहां से, क्योंकि पूरा का पूरा कट गया, यदि पूरा का पूरा नहीं कटता तो फिर यहां एक टेन इनवर्स कोई मान आता, फिर यहां भी मान आता, तो एक बार और आपको फार्मूला लगाना पड़ता। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले सवाल को देखते हैं कि जब सवाल में यहां पर अब 2 लग के आ जाता है या फिर दूगो के जगह सॉरी ये 4 के जगह 3 भी रहता है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है इसमें 2 लगा हुआ है यहां पर, तो घबराने की जरूरत कहां है, जब 2 लगा हुआ है तो आपको याद करना है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, उसमें भी किसका tan वाला, क्योंकि यहां tan है तो हम tan में जाएंगे तब ना फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 tan इनवर्स x का जो 3 फार्मूला आपको बताए हैं, एगो tan में बताए हैं, एक cos में और फिर sin में, तो आपको यह भी बताए हैं कि जब जिसकी जरूरत होगी तब उसका प्रयोग करना है ना। हाँ तो अभी हमको tan 2 tan इनवर्स x के फार्मूला में tan की जरूरत है, क्योंकि एगो tan में है एगो tan में आएगा तो आसानी से क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है आपका tan में, वो होता है tan इनवर्स 2x/1 − x², ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो अब यहां पर आप अप्लाई कीजिए इसमें, पहले इसका LHS ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4, ठीक है। तो अब देखिए यहां 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला, x के जगह पर 1/5, वहां देखिए 2 tan इनवर्स x, तो ये जो आपका है x के जगह पर आ गया आपका 1/5, तो इतना बराबर फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स 2x, तो x के जगह पर कितना रखना है 1/5 बट्टा में 1 − x², तो x के जगह पर है 1/5, तो लिखेंगे 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है 1/5 का होल स्क्वायर, ये अभी ज्यों का त्यों लिखना है, tan इनवर्स 1/4 ज्यों का त्यों लिखना है। चलिए तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये हो जाएगा 1 − 1² 1 और 5 2 = 25, ठीक है प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिएगा ये हो गया आपका tan इनवर्स, देखिए कितना है 2/5 और नीचे कितना है 25 को 1 से गुना करेंगे, 25 में से 1 घट गया तो 24, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 25 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब ये ज्यों का त्यों चल रहा है, चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 बटा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो गया tan इनवर्स कितना 2/5 × 25/24, ये कट गया 5 ना, ये कट जाएगा इससे 12 और एक जो आपका है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। अभी देखिए प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब गौर कीजिएगा कि यहां पर आ गया क्या पहले वाला कंडीशन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, नहीं आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इतना के बराबर में लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 − xy 1 − xy,
इसका जो आप लॉसर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स लॉसर लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए तो 12 और 4 का लॉसर लेंगे तो 12, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 तीय 12 यानी 3, और यहाँ बट्टा में आपका हो जाएगा 12 चौके 48 यानी 1 माइनस 5 बटे 48, ठीक है। इधर आ जाइएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, देखिए 5 और 3 कितना होगा 8, और बट्टा में कितना हो जाएगा 12, और इसके बट्टा में कितना हो जाएगा 48 में से 5 घटा लीजिए, ये देखिए 48 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 43 ना, ये हो जाएगा 48, 48 में से 5 घट गया तो हो गया आपका 43, और बट्टा में कितना हो जाएगा तो 48, बट्टा में 48, 4 को बट्टा हो गया ना, कोई बात नहीं है। टेन इनवर्स 8 बट्टे 12 गुने 48 बट्टा में 43। अब चलिए आपको जो कटने वाला है काट दीजिए, पहले देखिए 4 के पहाड़ा से कटेगा, 4 दुना 8, 4 तियाई 12, अब ये 3 से कट जाएगा 16 तिया 48, 16 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 दुना 32, और नीचे में आपका है 43, यही आपको लाना था, देख लीजिएगा ये आरएचएस में आपको दिख रहा है ना, आरएचएस में दिख रहा है टेन इनवर्स 32 बटा 43 जो आपको आरएचएस में दिख रहा है, तो आसानी से बन गया सवाल आपका। इस तरीके से सवाल को बना लेना है आसानी से, ठीक है। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मेट का, तो आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे चाहे दो गो वाला हो, चाहे 4 गो वाला हो या 3 गो वाला हो, किसी को भी आसानी से बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे में यदि 2 लगल रहेगा तो एक बार आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लेना है, इसका प्रयोग कर लेना है, दूसरी बार में आपको टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, और जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, कल कुछ और नए चीज लेकर आएंगे आप लोग के लिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक ना, और लास्ट में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन सबों को इसकी जानकारी आसानी से मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।